साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। यार बात करना इसलिए जरूरी है कि मेरे पास लगभग, हालांकि मैं इतना जल्दी आसानी से टॉपिक पे वीडियो डालता नहीं हूं, क्योंकि ये वीडियो टॉपिक है ना, आप लोगों से निकल के आते हैं। मेरे पास अभी 8-10 कॉपी ऐसी आई है कि सर इसको चेक करना, ये लाइसेंस है क्या। आज मैं बात करूंगा इंडियन मैन पावर ऑफिसेज में जो मैन पावर लाइसेंस होते हैं उनसे रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ये मैन पावर लाइसेंस होता कैसे है यार। किसी को भी ऐसे भी कुछ दिखा दें कि ये हमारा मैन पावर लाइसेंस है, तो क्या अपन मान लें उसको कि हाँ ये मैन पावर लाइसेंस है। इसके नाम से बड़ी प्रॉब्लम लोगों में चल रही है। अब होता क्या है मैं बता दूं कि एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में बात करें तो लगभग 3,500 के करीब, मैंने जब 5-6 महीने पहले देखा था तो 3,500 के करीब मैन पावर लाइसेंस होल्डर थे। पूरी इंडिया में सिर्फ 3,500 मैन पावर ही है, इस बात को नोट करें। एजेंट हैं लाखों जो काम करते हैं बिना मैन पावर के, ठीक है। अब 3,500 ऑफिस, मैं ये भी इतना रिकॉर्ड सब कुछ है कि राजस्थान में कितना मैन पावर ऑफिसर, कौन से जिले में कितना मैन पावर ऑफिस है, ठीक है। चलो ये तो अलग टॉपिक होता है। अब मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में अपना वीजा अप्लाई करवाने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी ऐड देखा, यूट्यूब पे देखा या फिर फेसबुक पे, अखबार में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी आपने देख लिया। वहां जाते हैं, आपको थोड़ा नॉलेज है कि यार मैन पावर लाइसेंस अपन को देखना चाहिए। कई बार लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, या उनको नॉलेज होता है कि भाई आप पैसा दे रहे हो तो आपका हक बनता है, ये आपका राइट है कि आप उससे उसका प्रूफ मांग सकते हो कि सर आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, आपका लाइसेंस नंबर क्या है, या आप लाइसेंस दिखा दीजिए या अपना विजिटिंग कार्ड दिखा दीजिए, ऐसा कुछ होता है। जैसे आपने किसी ऑफिस से मैन पावर का लाइसेंस मांगा तो उठा के वो लाइसेंस दिखा देते हैं कि ये हमारा लाइसेंस है। आपको ये लगता है कि हाँ यार सही है, उसको चेक करोगे तो ऑनलाइन चेक भी होता है, लेकिन क्या ये वो लाइसेंस है, क्या वो मैन पावर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से वो अप्रूव्ड है, वो लाइसेंस है, आपको लगता है। जी हाँ, वो यहीं पे दिक्कत होती है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये स्क्रीनशॉट साथ में डालूंगा। किसी बंदे ने मुझे भेजा, पहले उसने फीस डाली, पहले उसने ये डाला, मैंने बोला भैया फीस जमा कराओ, तो उसने मुझे 500 रुपये फीस के डाले, फिर मैंने उसने ये मुझे लाइसेंस भेजा। मैं आपको स्क्रीनशॉट साथ में देख लूंगा, आराम से उसको देखना। बोला सर इसको चेक करना, ये लाइसेंस ओरिजिनल है क्या। जब मैंने उसको देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया यार। वो लाइसेंस पता है क्या, उद्योग आधार लाइसेंस नंबर है यार। उद्योग आधार लाइसेंस नंबर जीएसटी वाला 500 रुपए दे के किसी भी सीए से 5 मिनट में आप बनवा सकते हो। अब बताओ जी उसका क्या करें, आपको तो दे दिया लाइसेंस, उद्योग आधार लाइसेंस नंबर हुआ, और वो वहां पे रजिस्टर्ड भी है, वो उद्योग आधार में होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में होता है वो मैन पावर का होता है, वो भी विदेश मंत्रालय से जारी होता है, और ये भी वहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदेश से रिलेटेड होता है, तो वहां दूसरा डिपार्टमेंट खाद्य डिपार्टमेंट होता है, वहां से अप्लाई होता है। तो फर्क क्या रह गया भाई, लाइसेंस ही वो है, लाइसेंस ही वो है। हद होती है यार, कितना ज्यादा मतलब लोग बेवकूफ बनाने की सोचते हैं। अब लाइसेंस बता दूं मैं विदेश से रिलेटेड कितने प्रकार के होते हैं, विदेश से रिलेटेड एक ही नहीं होता भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप विदेश में किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होता है, ठीक है, उसको भी लोग, वो लाइसेंस हर कोई बना सकता है यार, ऑनलाइन होता है पूरा, उसकी वेबसाइट अपनी बना लो, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो आपको तो लगेगा कि हाँ ये भी लाइसेंस ऑनलाइन है। दूसरा लाइसेंस, आप एजुकेशन का काम लोग करते हैं, एजुकेशन विदेश में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनका एक अलग से लाइसेंस मिलता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर्स वहां से जो अप्रूव्ड होता है, ठीक है। दूसरा ये तीसरा दूसरा दूसरा लाइसेंस ये हो गया। तीसरा लाइसेंस एक बिजनेस और होता है, मुझे उसका अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब 4 से 5 लाइसेंस ऐसे होते हैं जो विदेश से रिलेटेड होते हैं। अब वो लोगों को वो बनने आसान होते हैं भाई, एजुकेशन का आप बनवा लो, ठीक है, आप उद्योग आधार का बनवा लो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बनवा लो, 20-30-25 हज़ार रुपये लगते हैं, बन जाता है। आप एजुकेशन से रिलेटेड है बनवा लो, आराम से बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आती है भैया, मैन पावर का नहीं बनता इतना आसानी से। तो भाई जब भी आप अप्लाई करें तो थोड़ा सा गौर कर लें, मैन पावर लाइसेंस कैसा होता है जिसमें आपको लोग बेवकूफ ना बनाए। मैं स्क्रीनशॉट एक दो है मेरे पास में, मैं डाल दूंगा। अगर आपको भी ऐसा कोई लाइसेंस दिखाएं तो वो लाइसेंस नंबर, वो लाइसेंस नहीं है, वो फेक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन आपको जिस पर्पज से दिखाया गया वो फेक है। उद्योग आधार बिजनेस में काम करोगे तो वो सही है, लेकिन आप उससे आप विदेश कमाने के लिए नहीं जा सकते उस लाइसेंस से, उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो लाइसेंस काम में ले, वो गलत है, वो बेवकूफ बना रहा है आपको। तो इन चीजों से थोड़ा सा बच ले। जब भी आप किसी कंपनी में किसी ऑफिस में जाते हो और आपको लाइसेंस दिखाता है तो उसको आप चेक जरूर कर ले मेरे भाई, एजुकेशन का लाइसेंस होता है, खास तौर से लोगों को वो दिखाया जाता है पंजाब में, चंडीगढ़ साइड में,
वो ही दिखा देते हैं, ये देखो हमारे पास लाइसेंस लाइसेंस नंबर होता है। मेरे को बहुत सारे लड़के भेजते हैं, ये देखना सर 700 पता नहीं ऐसी संख्या, ये लाइसेंस नंबर है। अरे भाई देखते ही पता लग जाता है विदेश का लाइसेंस कैसा होता है मैन पावर का। ऐसे लाइसेंस थोड़ी होते हैं यार, उसका पैसा इतना सारा लगता है, तो उसका नंबर भी इतना सारा आता है, समझ गए बात को। तो जब भी आप अप्लाई करें तो भाई इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें, लाइसेंस नंबर के नाम से बेवकूफ न बने। और मेरे हिसाब से मैंने इंक्वायरी दे दी है, ज्यादा इंक्वायरी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें उन लोगों को भी जो विदेश से रिलेटेड सुधारने की सोच रहे हैं, ताकि उनको भी ये थोड़ा सा अवेयरनेस हो सके। लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद।